Hi everyone, welcome to my channel Romar Aritro. Hope everyone is doing very good. I'm absolutely fine. आज मैं जा रहा हूँ बाइक का जो इंजन ऑयल है वो फ्लश करने के लिए, और उससे पहले हम जाके करेंगे अपना इंजन फ्लश. वो कैसे करना है, चलिए बने रहिए वीडियो में. पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ मैं, हम लोग इंजन फ्लैश क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए आफ्टर एवरी 15,000 और 20,000 किलोमीटर्स. क्योंकि हम लोग बाइक यूज़ करते करते क्या होता है ना, उसमें इंजन के अंदर रस्ट आ जाता है, ठीक है. और रस्ट के लिए क्या होता है, आपका जो इंजन है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो ये रस्ट को निकालना होता है, राइट. तो रस्ट को निकालने के लिए इंजन मोबिल जो चैम्बर है उसके अंदर, ये जो मेरा हाथ में जो लिक्विड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, परचेसिंग लिंक, ये आपको डाल देना है, ठीक है. उसके बाद आपको बाइक को आइडियल कंडीशन में स्टार्ट करने के बाद 10 मिनट तक रख देना, 10 से 15 मिनट तक रख देना है. उससे क्या होता है, आपका जो इंजन है चलता रहेगा, पूरा जो ये ऑयल है आपका बाइक में पूरा फैल जाएगा, ठीक है. और 10-15 मिनट के बाद आपको इग्निशन ऑफ करने के बाद जो इंजन ऑयल है मोबिल है उसको निकाल देना है. अब ये जो ऑयल है ये डाल रहा है मेरा बाइक के इंजन मोबिल चैम्बर में, जैसे आप देख सकते हो वीडियो में, ठीक है. ये डालने के बाद मैं बाइक को स्टार्ट करके 10 से 15 मिनट तक रख दूंगा. इसको हम बोलते हैं इंजन फ्लश ऑयल. ये आपको बाहर पे भी मिलेगा और ऑनलाइन पे भी मिलेगा. मैं कहूँगा आपको बाहर से नहीं लेना चाहिए क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा रहता है बाहर में. आप ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ले लो, प्राइस बहुत ही कम रहता है, ठीक है. अभी फनल से डालना है इसको, क्योंकि ऐसे ही यूँ ही डालने से बाहर गिर रहा था, आप देख सकते हो, तो फनल से ही डालना है. और ये जो मेरा बाइक है ये होंडा का यूनिकॉर्न डैजलर है, बहुत ही 9 साल का हो गया. सो ये फर्स्ट टाइम मैं इसमें फ्लश करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था. तो आप लोगों के पास जो बाइक है, आप 2-3 साल यूज़ कर रहे हो और 20,000 किलोमीटर के ऊपर चला गया है, तो आपको ज़रूर एक बार इंजन फ्लश करना चाहिए क्योंकि बहुत सारा रस्ट निकलेगा. अभी दिखाऊँगा आप लोगों को कि कितना रस्ट यहाँ से निकलता है. और इंजन ऑयल आप भी देखोगे जब निकलेगा पूरा पतला हो गया, मतलब अभी मैं बाइक को स्टार्ट करके आइडियल कंडीशन में रख दूंगा. डबल स्टैंड के ऊपर रखूंगा अभी बाइक, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा बाइक को. और मैं जनरली बाइक में मेरा फुल सिंथेटिक मोटुल वाला ऑयल यूज़ करता हूँ, जिसके लिए बाइक बहुत ही अच्छा रहता है. और नॉर्मल जो आपका सेमी सिंथेटिक या मिनरल ऑयल होता है वो आपका 1.5 से 2,000 चलता है, लेकिन ये जो मेरा मोटुल का है ये अब मेरा 4,000 चल गया, 4,300 समथिंग चल गया. फिर भी ठीक है, जब ऑयल निकलेगा आपको दिखाऊंगा, कलर तो पूरा फेड नहीं हुआ, कलर पूरा ब्लैक नहीं हो गया है अभी भी. तो इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मोबिल का कंडीशन कैसा है. मैं मोबिल को फेंक नहीं दूंगा दुकान पे, मतलब मैं लेके जाऊंगा इसको, बहुत काम आता है बाद में ये मोबिल जो होता है आपका. वेल, आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, उतना धूप नहीं है इसलिए बाहर आया. और अभी तो दोपहर हो गया, लंच भी नहीं हुआ, अभी वेट कर रहा हूँ 10 मिनट का. 10 मिनट बाद मोबिल को ड्रेन कर दूंगा पूरा. चलो 10 मिनट हो गया, अभी ड्रेन करते हैं मोबिल को, देखते हैं क्या हाल है, क्या निकलता है गाड़ी से. अब देखो कितना पतला हो गया है मोबिल, पूरा पानी की तरह. और देखो काला काला, मतलब रस्ट पूरा निकल रहा है मोबिल के साथ. अब नया जो मोटुल का जो इंजन ऑयल है 2040 वाला, वो हम फुल सिंथेटिक वाला, वो हम डालेंगे अभी बाइक में. और डालने के 60 किलोमीटर के बाद या 100 किलोमीटर के बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा. पूरा जो बाइक का साउंड है ना आपका, पूरा चेंज हो जाता है. और जो लीवर है, गियर लीवर है, क्लच है, पूरा बटरी स्मूथ हो जाता है.
अब ये जा रहा है मेरा नया मोबाइल बाइक के अंदर। थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है, नहीं तो ओवरफ्लो होके गिर जाएगा बाहर। थोड़ा थोड़ा करके वो डाल रहा है अंदर। और ये जो मोटुल का भी इंजन ऑयल है ना, वो भी मैंने ऑनलाइन से मंगाया है, क्योंकि बाहर इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। बहुत मतलब 150-200 रुपए ज़्यादा है। मुझे ये 720 में मिल गया, जहाँ पे दुकान में इसका प्राइस बोल रहा था 850, 850। हाँ, तो इसलिए मैं ऑनलाइन से ही ले लिया। ये आपको ये मोबाइल इजीली अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। कोई दिक्कत का बात नहीं है। कौन सा वेबसाइट में मिलेगा तो बता भी दिया आप लोगों को, और मैं लिंक भी दे दूंगा, परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना खुद। चलो, पूरा मोबाइल डाल दिया, अभी कैप लगाते हैं और इसके बाद चला के देखते हैं कि कैसा फील होता है बाइक का। और आप लोग को भी रिव्यूज़ बताऊंगा। मतलब मेरा मोबाइल जो था, मैंने बोला 4,000 किलोमीटर हो गया था, तो थोड़ा कुछ तो डिफरेंस अभी मालूम पड़ेगा ना, तो वही बताऊंगा, देखते रहना। और अभी हम जाएंगे घर, और उसके पहले ये जो पुराना वाला मोबाइल है उसको हम डब्बे में डाल लेंगे और घर लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसे मैंने बोला था आपको ये बहुत काम में आता है। अभी डब्बा जो है इसमें तो नहीं आएगा, तो दूसरा ही डब्बा हमको मंगाना पड़ेगा इससे, क्योंकि इसका जो आप देख सकते हो कि इसका ये अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही सब गिर जाएगा। तो वो दे रहा है मेरे को दूसरा एक डब्बा, और उस डब्बे में हम लेके जाएंगे। अभी इसको डालना है। चलो, फनल आ गया है और अब डाल लेते हैं मोबाइल को। अच्छा, वही डाल देगा मेरे लिए, वही कर रहा है, तो मुझे सिर्फ पकड़ना है। अच्छा, थैंक यू भाई डालने के लिए मोबाइल। अब ये देखना है मेरा बैग में ना गिर जाए मोबाइल, क्योंकि इसका ढक्कन ठीक से बंद होगा कि नहीं, ये मुझे अभी देखना है। अभी चेक कर लेते हैं बाहर आता है कि नहीं, नहीं आ रहा है, लीकेज कोई भी नहीं है। चलो, बैग में डाल लेते हैं, फिर जाते हैं, एक बार पूछ लेते हैं इसको, क्योंकि इसका साइड में पूरा ऑयल लगा हुआ है, मेरे बैग में लग जाएगा, तो इसको ठीक तरह से पूछ लेते हैं। ये आ गया कपड़ा, हम पूछ लेते हैं, बस हो गया हम मेरा काम। अब बैग में इसको डाल देते हैं। चलो, अब घर जाने का टाइम हो गया, बहुत भूख भी लगा है। चलो, अब घर जाने का टाइम हो गया है और धूप भी बहुत ज़्यादा आ गया है। चलो, मेरा उल्टा साइड साइड पे घर है, तो घुमा लेते हैं बाइक को। अब मैं सर्विसिंग भी अभी करा है इससे, श्यामनगर पे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे इस दुकान पे सबसे अच्छा मैं कहूँगा सर्विसिंग होता है, ठीक है। और ओ हाँ, मुझे मीटर भी रिसेट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं नेक्स्ट टाइम जब मोबाइल चेंज करने के लिए आऊँगा ना, तो मेरे पास कैलकुलेशन रहेगा कितना मेरा बाइक कितना किलोमीटर तक चला है, ठीक है। अभी रिसेट कर लेता हूँ, शायद मुझे रुकना खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये रीसेट तो नहीं हो रहा है यहाँ से। अच्छा, दूसरा बटन होगा शायद, ट्राई करके देखते हैं दूसरा बटन। हाँ, मैं भी भूल गया, बहुत दिन से रीसेट नहीं किया बाइक पे। तो चलो, मोबिल भी इंजन भी फ्लश हो गया, फिर नया मोबिल भी डाल दिया। अब सिर्फ 100 किलोमीटर चलाना है और देखना है कितना इंजन स्मूथ हुआ, क्या क्या डिफरेंस फील होता है। मैं सब कुछ आप लोगों को 100 किलोमीटर होने के बाद एक वीडियो बना के बोलूँगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसा नया वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो, और सब अच्छे से रहना, ठीक से रहना। ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रहा है, अभी कोरोना के टाइम है, तो घर से जितना चाहे कम निकलो, घर पे ही रहो, काम नहीं है तो मत निकलो, बस यही कहना है। टेक केयर, स्टे सेफ एवरी वन, बी हेल्दी एंड हैप्पी। टेक केयर, बाय।